अस्पताल भर्ती। अच्छा, का हो गया रहा? बीमार है। का बीमारी रहे उनका? उत्तर प्रदेश के नौ जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बंद कमरे में एक बीमार अधेड़ की चार दिन पहले मौत हो गई थी और उसकी बहन चार दिनों से शव के साथ ही रह रही थी। जब कई दिनों से घर का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को शक हुआ, जिस पर उसके एक रिश्तेदार को जानकारी दी गई। देर शाम करीबी रिश्तेदार महिला घर पर पहुंची, जहां 55 साल के कौशल अवस्थी का शव जमीन पर पड़ा मिला। कमरे से बहुत तेज बदबू आ रही थी, ये देखकर सभी के होश फाकता हो गए। इसकी सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल उन्नाव जिले के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मनगर निवासी कौशल अवस्थी, जो कि 55 साल के थे, वो एक साल से बीमार चल रहे थे। वो अपनी मानसिक रूप से बीमार बहन रानी के साथ मकान में रहते थे। छह दिन पहले कौशल का चचेरा भाई उसे दवा दिलाकर ऑटो से घर छोड़ गया था। इस बीच उसकी तबीयत बिगड़ गई और चार दिन पहले ही उसकी मौत हो गई। उसकी मानसिक रूप से बीमार बहन उसे सोता समझकर शव के साथ रहती रही। इधर जब कई दिनों से घर का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को शक हुआ। पड़ोसियों ने बताया कि सोमवार देर शाम उसकी दूर की एक महिला रिश्तेदार घर पहुंची, जहां उसने दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलते ही बदबू फैल गई। शव चार दिन पुराना हो जाने पर काला पड़ गया था। पड़ोस में रहने वाली निवासी सभासद बबलू शुक्ला ने गंगाघाट कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना पर बालूघाट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की मानसिक रूप से बीमार बहन रानी ने बताया कि उसके घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना तक नहीं है, पड़ोस के लोग खाना देते हैं। रानी नाम है। रानी, क्या कैसे हुआ? बीमार है। कैसे, क्या दिक्कत हो गई थी? कब से चल रही थी तबीयत खराब? अस्पताल भर्ती। अच्छा, कहाँ हो गया रहा? बीमार है। का बीमारी रहे उनका? तो कौन दिखावा उनका? डॉक्टर को दिखावा? ये कौन डॉक्टर? देखी नहीं, दवा दी नहीं। नहीं, को दिखावा उनका? चाचा लड़का कहाँ रहा थे? नंबर है? नंबर के पास है। किसके पास है? मुन्ना पास है। मुन्ना कहाँ है? ये ऊपर रहते हैं। ऊपर रहते हैं? ऊपर कौन रहता है? वही वहाँ की स्थानीय महिला ने क्या कुछ बताया वो भी आपको सुनवा देते हैं। इतना क्या बीमार पड़ा है? सात महीना। और आगे क्या हुआ फिर? आगे क्या हुआ? भाई बहन थे, पल्ला नहीं थे। आपने ही देखा था? आपने ही देखा था? देखा था। अब मालिन हम इधर से निकले, मोहल्ले वाले कहे ना हमसे कि इसमें दरवाजा नहीं खोला जाता है, ये लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, खुलाओ दरवाजा। तो हम बोल देते थे बस इनकी माँ का हमारे मायके में मतलब मेहमान है, बस आती जाती रहे। अब आप इसकी देख रेख आप ही करेगी? अब आप हम कहा बताई भैया, फोन करी करी सरकार करी, हम कहा करीबे भैया? हमारे पास ये इतना है कि भाई भूखी हो या खाना पानी दे दे, पड़ी रही है। तो मकान इनके नाले भी। और इनके भाई बहन क्या? भाई बहन तो रहने नहीं, जिंदम का बहुत नहीं है तो मरम नहीं है। भाई 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 है नहीं, बहने हैं। भाई जो को इसकी वो एक मर गई है तो वो मकान लेगा। वही पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत का सही पता चल सकेगा और उसकी मौत कब हुई ये भी पता चलेगा। उन्नाव के सीओ सिटी आशुतोष कुमार ने बताया कि मृतक के रिश्तेदारों को घटना के बारे में सूचित किया गया है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, आगे की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। थाना गंगा घाट क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मनगर मोहल्ले में एक कौशल किशोर अवस्थी, जिनकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास थी, उनकी एक बहन जो लगभग 45 साल के आसपास की, जो कि मंदबुद्धि है, दोनों भाई बहन एक ही मकान में रहते थे। पुलिस को सूचना मिली कि वो घर में मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। मौके पर थाना प्रभारी गंगाघाट पहुंच करके देखा तो चूंकि बहन मानसिक विक्षिप्त थी, उसको लगा सो रहे हैं, तत्काल उनके रिश्तेदारों को सूचित किया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजा गया। आगे जांच की जा रही है, जो भी तथ्य निकल के आएंगे कार्रवाई की जाएगी। और चूंकि वो बीमार रहते थे, अभी प्रथम दृष्टया यही समझ में आ रहा है कि बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई और बहन चूंकि मंदबुद्धि की थी तो समझ नहीं पाई। वाकई इस मामले ने सभी का दिल दहला कर रख दिया है। अब सवाल ये है कि मृतक की मानसिक रूप से बीमार बहन का क्या होगा। उन्नाव से विशाल सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।